ओके तो आज हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, राइट। दो सब्सटेंस लेंगे, ये आपका KMnO4 और सेकंड सब्सटेंस है ऑक्जेलिक एसिड। इसमें किसी एक की मोलरिटी गिवन होगी और दूसरे की मोलरिटी पता करनी होगी। इसको एक वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इससे क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, राइट। क्या होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक को आप कर दो। हाँ ठीक है, नहीं पिपेट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानो करना क्या क्या है। दिस इज द KMnO4, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, दिस वन इज नोन एज कोनिकल फ्लास्क, इसको हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी बोलते हैं। दिस वन इज द मेजरिंग सिलेंडर एंड दिस वन इज डाइल्यूट H2SO4। दिस मच रिक्वायर्ड, दिस मच व्हाट मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड, इसको पिपेट बोलते हैं। बट पिपेट PIPPT, इसको पिपेट बोलें। बट इसको पहले यूज करते थे, अभी भी यूज करेंगे, बट अभी कोरोना चल रहा है तो पता नहीं कैसे क्या क्या है। सो दैट्स वाई इसके लिए हम लोग मेजरिंग सिलेंडर यूज कर रहे हैं। एक्यूरेट ये होता है, यही से करना ही होता है। यहाँ पे एक देखोगे रिंग है, यहाँ पे इस देखो, यहाँ पे रिंग बना है ना, ये यहाँ पे एक देखो फाइन रिंग बना है, फाइन रिंग। ये फाइन रिंग यहाँ से यहाँ तक जब सक करोगे मटेरियल, तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे इसका वॉल्यूम हो जाएगा 25 ml। उस 25 ml वॉल्यूम को इसमें ऐड कर देंगे, किसमें, कॉनिकल फ्लास्क में। जैसे इसमें ऐड करेंगे, इसके बाद इसका 20 ml H2SO4 भी इसी में ऐड कर देंगे कॉनिकल फ्लास्क में। फिर उसको हीट करेंगे किसके थ्रू, ये तुम्हारे पास बर्नर होगा, बर्नर थ्रू हीट करेंगे अप्रॉक्स 60-70 degrees Celsius फर्स्ट बबल आने तक। अगर फर्स्ट बबल आने तक हीट कर लिया तब, इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसमें ये जो KMnO4 है ना, ये वाला KMnO4 इसमें पोर कर देंगे, फिल कर देंगे। कहाँ तक, जीरो तक। देखो मैं इसको जीरो तक फिल कर रहा हूँ, इसको यहाँ ले लिया, इसको तुम डाउन कर सकते हो, वो लाओ बेटा जरा स्टूल, यहाँ डाउन करके इसमें आप जीरो तक फिल कर दो अपने अकॉर्डिंग। ये देखो ज्यादा हो गया, जब ये ज्यादा हो जाएगा तो आप क्या करोगे, तब थोड़ा सा इसमें से एग्जिट कर लोगे। और एग्जैक्ट रीडिंग अगर इसको सर्च करोगे तो ये जीरो ही मिलेगी। यहाँ पे देखो, अगर दिख रहा है देखो ये जीरो है। फनल इसके बाद हटा देना, फनल अगर नहीं हटाओगे तो इसमें जो मटेरियल होगा इसमें जाएगा और फिर आपकी रीडिंग करेक्ट नहीं आएगी, बहुत फाइन रीडिंग चाहिए, तो इसको छोड़ दो। नाउ अलाउ टू सेटल डाउन, अभी देखो कुछ ड्रॉप्स और आ गए, इसका मतलब ये जीरो से थोड़ा सा क्या हो गया, अप हो गया। अब इसको और हल्का सा डाउन कर लो, यस अब जीरो पे सेट हो गया। इसके बाद आप इसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे उठा के रख लो ऐसे, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमने भर लिया इसमें KMnO4, दूसरा कंटेंट ये है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड हम पिपेट के थ्रू फिल करेंगे, तो बट अभी हम क्या ले रहे हैं, मेजरिंग सिलेंडर, और कितना ml होगा ये, 25 ml। मेजरिंग सिलेंडर तुम लोग नहीं यूज करेंगे, एग्जाम में यूज करने को नहीं देंगे, तो आप पिपेट यूज करेंगे, बट यहाँ पे हम कर रहे हैं। ये 25 ml ले लिया, राइट। आप 25 ml उठा करके इसमें क्या, ये कॉनिकल फ्लास्क ऐसे पोर कर दो, पोर करके एक एक ड्रॉप इसमें गिरा दो, इसको साइड में रखो। अगेन एक मिडल साइज वाली टेस्ट ट्यूब जिसका वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली 18 ml होता है, 18-20 ml, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 18-20 ml H2SO4 ले लो। ये H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, वो एक स्टैंडर्ड कंडीशन का H2SO4 गिवन होगा। उसमें होता क्या है कि 900 ml वाटर, 100 ml H2SO4 मिलकर के H2SO4 बनाया जाता है, ये स्टैंडर्ड है।
इसको उठा करके इसी में डाल दो, दोनों एक में मिक्स किया, क्या क्या मिक्स किया, पहले ऑक्सैलिक एसिड और फिर H2SO4, इसमें क्या मिक्स किया, KMnO4, एकदम प्रॉपर ऐसे ही करना, कभी गलती नहीं होगी। ये तुम्हारा बर्नर है, इस बर्नर को हाथ में तो लेना, इसको हीट करो, इससे आप इसके लिए वाटर बाथ भी यूज़ कर सकते हो, 70-80 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बाथ होगा, और उसको आप क्या करोगे, ठीक है उसमें डाल दोगे, वो हो जाएगा। इसमें देखो एक बैटरी ऑफ हो गया क्या, H2SO4 ऐड करेंगे तभी तो ऑक्सैलिक एसिड के साथ मिलकर के रिएक्शन होगा, CO2 रिवॉल्व होगा ना हीट करने के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, ऑक्सैलिक एसिड में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो वो एक्टिवेट करने के लिए H2SO4 रीहीट करेंगे तो जाकर के एक्टिवेट होगा, फिर इसके बाद KMnO4 से रिएक्शन होगा। KMnO4 जो ऑक्सैलिक एसिड का CO2 है ना, वो ऑक्सीडाइज होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, CO2 में, तो ये अभी जब से उसके साथ एक्सिट नहीं होगा तब से रिएक्शन नहीं होगा। अगर ये मोहर सॉल्ट लोगे तो इसमें पॉसिबल मीन्स हीट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या करोगे बेटा, हीट कर लो इसको, हीट करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, कब तक करते रहोगे जल्दी बोलो, 67। ओके, इसको हीट करो, हीट आप टाइम तक करते रहो करते रहो करते रहो, कब तक करते रहोगे, जब फर्स्ट बबल ना आ जाए, वो कैसे पता चलेगा, और इसको शेक करते रहना थोड़ा थोड़ा, अदरवाइज ये ब्लास्ट कर सकता है, आपको चोट लग जाएगी और भी कोई दिक्कत हो सकती है, कपड़े का एनीवे लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जब ये फर्स्ट बबल आ जाए फिर क्या करोगे, अभी हम दो मिनट इसको वेट कर ले रहे हैं। अब जब ये इतना हीट हो जा रहा है, हल्का सा वेपराइजेशन स्टार्ट हो गया इसका, देन व्हाट यू विल डू, इस फिल्टर पेपर को एक नीचे लगा देना, एक वाइट पेपर नीचे लगा देना ऐसे, जिससे कि कलर मैचिंग क्लियर हो। एक्चुअली हमारे यहाँ ये क्या है, वाइट प्लेटफॉर्म ही है, अदर प्लेस पे वाइट प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल नहीं होगा, वो ग्रे कलर का होगा या रस्टी टाइप का होगा। अब इसको ऐसे कर लो और इसको थोड़े से इस टाइप से, इसको ये नोजल है, इसको हल्का सा बहुत थोड़ा सा ऐसे खोल दो, जैसे ओपन करोगे इसमें 2-3 ड्रॉप जाएगा, फिर इसको इसके सेक कर दो, ये देखो गायब हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने बहुत सारा ड्रॉप डाल दिया, इतना नहीं डालना होता है एक ड्रॉप, अब ये देखो फिर फिनिश हो गया, दिख रहा जैसे हम इसको ऐड कर दे रहे हैं, एंटेल्यू रिएक्शन आल्सो, जैसे ऐड कर रहे हैं वैसे तो जा रहा है, बट इसके बाद में कुछ टाइम के बाद वो क्या कर रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। ये प्रोसेस आप रेगुलर करते रहो और ड्रॉप वाइज ही करना, अदरवाइज एक टाइम पे अचानक से ये क्या होगा, डार्क हो जाएगा या परमानेंटली पिंक से भी डार्क हो जाएगा, तो फिर रीडिंग क्या होगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करते रहे, ये दिख रहा डिसअपीयर हो रहा, आप इस प्रोसेस को ऐसे टैप की तरह नहीं करना, ओपन करते रहो, और एक भी ड्रॉप इसका गिरने ना पाए, ये प्रिकॉशन लेना, अदरवाइज उतनी वॉल्यूम कम हो जाएगी। डू इट, दिख रहा गायब गायब गायब, नथिंग लेफ्ट, जबकि हम खूब सारा इसमें ऐड कर रहे हैं, ये देखो देखो ये, ठीक है, फिर से गायब डिसअपीयर, फिर देखो, बट आप इतना फास्ट नहीं करना, ठीक है, डिसअपीयर हो रहा। आर्यन तुम्हारी कल रीडिंग कितने पे आई थी, व्हाट वाज योर रीडिंग एस्टरडेज में, 46 and 26। देखो ये डिसअपीयर हो रहा है, 25 21, देखो फिर ओपन कर दिया खूब सारा, अगेन डिसअपीयर हो गया, दिख रहा। ये रेगुलर प्रोसेस करते रहोगे बट ड्रॉप वाइज ही करोगे, ये तो मैं तेजी से कर रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप वाइज करना है, फर्स्ट 15 तक तो जा सकते हो,
दिख रहा, सब गायब हो जा रहे हैं। अब तुम मेरे फोन का अगर टाइटल देखोगे तो वहाँ पे स्पेसिफाइड है लाइफ लाइक अ टाइट्रेशन, वी डोंट नो कलरलेस लाइफ कन्वर्ट्स इनटू परमानेंटली कलर। ऐसा ये है, पता है हम लोग एफर्ट करते रहते हैं आउटपुट नहीं मिलता, अचानक से जब बहुत सारा एफर्ट हो जाता है हम हारते नहीं है, देखो तो एक मोमेंट आएगा। और पिंक कलर कैसा माना जाता है? वेरी गुड, कहते ना तुम्हारी लाइफ तो बड़ी पिंकी है। ओके सीट, ओके जस्ट आफ्टर 2 to 3 ड्रॉप्स कलर विल कम्स आउट। ओके एनफ, नाउ इट विल नॉट चेंज इन एनी केस, सो इट इज द चेंज। विदाउट वर्क कांट अचीव एनीथिंग, नाउ इट इज परमानेंटली पिंक, दिस इज द राइट रीडिंग। आफ्टर दैट यू विल रीड द रीडिंग, देखो इसको देखो, देखो यहां पे है 22.5, फर्स्ट रीडिंग इज 22.5। यू विल डू सेम प्रैक्टिकल, सेम वे, सेम पैटर्न नेक्स्ट टाइम ऑल्सो वंस मोर एंड यू विल मैच। अब इसके बाद में इसको खाली नहीं करोगे, जीरो से नहीं भरोगे, इसी से स्टार्ट करोगे। इसको बोलते हैं कनकॉर्डेंट रीडिंग, क्या बोलते हैं? अभी देखो परमानेंटली पिंक हो गया, अब देखो मैंने टाइम लिया कुछ नहीं हो रहा, ओके अगेन मैंने इसको पोर कर दिया, राइट सेम प्रोसेस फिर से रिपीट किया। ये देखो इट वाज द ऑक्सैलिक एसिड फॉर सेकेंड टाइम रीडिंग, ऑक्सैलिक एसिड एज यूजुअल 25 ml। I will tell you after that, whenever complete your practical, I will tell you calculation. This one, एक बार इसको वॉश भी कर लेना, जो भी अगर मटेरियल होगा इसमें तो आपके रिजल्ट को कॉज नहीं, अफेक्ट नहीं करेगा। Then oxalic acid, right? Or each and every drops. After that, what is this? H2SO4? नहीं, ये H2SO4 है। Add कर दिया यहाँ तक, मिड वाले टेस्ट ट्यूब लेना है, फिर इसको ऐसे उठाया और इसमें ऐसे पोर कर दिया, ओके देन इसको हटा दिया। अब ये क्या है अगेन? बर्नर, माइक ऑन करो, ओके एंड हीट इट, हीट इट रेगुलरली अप टू फर्स्ट बबल, ओके इट इज एनएफ, ये फर्स्ट बबल तक हो गया हीटेड। देन अब क्या करें हम लोग? यस अगेन यूज कैमेनोफोर ड्रॉप वाइज ड्रॉप, ड्रॉप वाइज ड्रॉप, ओके सी इट इज कलर, या नाउ कलरलेस अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस। Regularly repeat it. Now find out the volume regularly decreases and color of the substance disappears. Substance means KMnO4 only. Yes, now very near to answer.
एंड टाइम विल टेक अ वेरी मीन्स विल टेक प्रिकॉशन और 58 नॉट इज 40 हाँ दैट्स व्हाई इफ यू पेशेंस मींस यू हैव नो पेशेंस रिजल्ट विल बी डिफरेंट क्योंकि लास्ट में ही खराब होता है नाउ सिंगल ड्रॉप एनफ टू चेंज द कलर अब देखो अभी ये रिजल्ट आने वाला है परमानेंटली पिंक कलर सो वेरी हाई टाइम टेकिंग प्रोसेस स्टिल नॉट ओहो लॉट ऑफ पेशेंस रिक्वायर्ड यू नो यस यस इट इज एक्चुअली इट इज द मेन कलर यही आना चाहिए आप जरा देखो एक एक ड्रॉप देखना आप क्या होता है स्टूडेंट्स ही है या ओके सी इट इज पिंकी अपीयरेंस वेरी लाइट पिंक नाउ सी नाउ सी इट इज परमानेंट पिंक कलर इट मीन्स दैट रीडिंग वॉज टू एक्यूरेट इट इज नॉट एक्यूरेट अभी हमारा क्या आता है बहुत डार्क आता है और कहते हैं ना सर ये सही तो है नहीं सर वो एंड पॉइंट है सो हाँ विद द हेल्प ऑफ केमेनोफोर एंड ऑक्सैलिक एसिड वी आइडेंटिफाई द व्हाट स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मोलरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन पर लीटर ओके सो डू योरसेल्फ